हे गाइस, क्या हालचाल। आइए सारे सर अच्छे होगी तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें तबाही हमें से दबा के होने वाली है यार। और अगर गेम प्ले की बात की जाए तो गेम प्ले में आते हैं काली शक्ति वाले लौंडे, जिनको हम बजाएंगे क्योंकि उन्होंने हमको बजाया है, और बदला लेना तो बनता है, नहीं तो फिर रात को नींद नहीं आएगी ना। और अगर नींद नहीं आएगी तो हम सो नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे तो फिर गेम प्ले नहीं डाल पाएंगे, और गेम प्ले डाल पाएंगे तो फिर तुम सबको समस्या हो जाएगी। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी फैमिली वालों को समस्या हो जाए। लॉजिक समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? समझने की जरूरत भी नहीं है यार, क्योंकि हमारी बातों में वो रहता भी नहीं है लॉजिक। तो उसके बाद गेम प्ले की बात करते हैं। उतर रहे हैं फैक्ट्री जहाँ कोई नहीं आता है, तो फिर फटाफट लूटते हैं और नीचे बंदे आए हैं तो गाड़ी उठाते हैं और उनको जाके बजाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं भी पढ़ाई लिखाई की बात कर ही लेता हूँ। तो यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बस उस क्वेश्चन की फोटो को क्लिक करो और क्वेश्चन को क्रॉप करो, और फिर 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपके सामने है। फिर आपका क्वेश्चन चाहे होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अदर स्टेट का, या फिर IIT, नीट या 6वीं से लेकर 12वीं तक का कोई भी सवाल, इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। साथ में डाउटनट ऐप पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी कि पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जल्दी जाने का डाउटनट ऐप में पढ़ाई करने का, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करने का और पढ़ाई करने का यार। तो अगर इन बंदों की बात की जाए तो इन बंदों ने महंगा वाला फूंक रखा था, क्योंकि भैया गाड़ी के सामने खुद ही कूद रहे हैं। हम तो शांति से जा रहे थे, हमने तो गाड़ी चढ़ाई भी नहीं, लेकिन भाई साहब कहते हैं कि ऐसे कैसे, हमारे ऊपर से जाओ ना तुम। अब भाई साहब का मन है तो हम मना नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये 3 ही थे, इनका चौथा कहाँ था पता था ही नहीं, और हम जानना भी नहीं चाहते थे। तो उसके बाद इनको फटाक से फिनिश किया, उसके बाद इनके डिब्बे से सामान उठाया, फिर गाड़ी उठाया, और जब गाड़ी उठा ली है तो समझ रहे हो ना, फैमिली में आने वाले इसमें को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल में नया हो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड है यार। तो उसके बाद अपार्टमेंट आते हैं जहाँ पर से मैडम जी पिक करके क्या ही देख रही थी और क्यों ही देख रही थी, इनको बताओ कि टीवी भी नाम की चीज होती है। तो चलो फिर उन्हीं से पूछ के आते हैं कि क्या कर रही थी। लेकिन इनके अंदर कुछ ज्यादा ही आक्रोश आ गया यार, मोली से लक्ष्मण रेखा ही खींच दी, ऊपर किसी को आने ही नहीं देंगे। लेकिन हमारा गॉड दिलेर बन के जाता है और मोली के पार भी निकल जाता है, लेकिन फिर महारानी के हाथों बढ़िया से बजाया जाता है और फिर सीधे नीचे आता है और फिर रिवाइव दे ही रहे हैं, तुम देख ही रहे हो। उसके बाद नाम से समझ में आ गया कि भैया ये है गर्ल गेमर स्क्वाड, मतलब अच्छा क्लिकबेट बन सकता है, समझ रहे हो। लेकिन ये 3 गर्ल गेमर के बीच में ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, हरकतें बिल्कुल सही नहीं लग रही इनकी मुझे। उसके बाद एक चीज समझ में आ गई, क्यूँ मैडम को गॉड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था, पिछली बार नॉक बस किया था, इस बार तो आके खा भी गई। चलो ये भी सही है, 14 जनवरी के लिए गॉड को कोई तो मिला, अब बेचारा गॉड सिंगल नहीं मरेगा, वैसे मरते तो सब सिंगल ही हैं। तो ये जीने मरने की बातें हटाते हैं और काम की बात करते हैं, और काम की बात ये कि इन चारों को बजा दिया गया है। उसके बाद सामने गिरता है ड्रॉप और हमको गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि यहाँ पास हैं बंदे। हाँ, कमेंट में गुप्त सूत्र इक्वल टू ESP लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको लगा कि ड्रॉप में बंदे होंगे तो हम जाके चेक करते हैं। नहीं मारे थे। और भाई साहब तो फुल प्लानिंग करके आते हैं, स्मोक चारों ओर कर दिया गया है, सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो AW में चलाएंगे क्लोज रेंज में। अरे कतई तो। लेकिन भाई साहब ने स्मोक किया तो है, लेकिन उनको ये बताओ कि स्मोक के अंदर रहना भी होता है, बाहर राउंड राउंड खेल रहे हैं। उसके बाद हमको पता नहीं कहाँ से कौन सी गोली आके पड़ती है और हमारे समझ में आ जाता है कि भैया कवर में रहो और उसके बाद स्मोक करो और फिर गाड़ी उठाओ और फिर जाकर बंदों को बजाओ। प्लानिंग तो अच्छी थी, अब बस इसी प्लानिंग के अनुसार चलना था। इसको लेना है। कार ले, जिसने ले। एनिमी डाउन। ये लो आपका, कर देते हैं। ये
रुक जाओ मैं इसे मेरा बेटा बेटा मेरे को भी अबे वही भैया मैं आ गया नहीं देख इसमें नॉक पड़ा है बस हमें यहाँ पास लगा था कि एक दो बंदे होंगे आके बजा देंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ तो पूरी की पूरी स्क्वाड बैठ रखी है, तो मतलब अब सल्लू भाई कुछ कर सकते हैं। तो चलो फिर सल्लू भाई बनकर थोड़ा सा गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलते हैं। वो देखो भाई पता नहीं भाई मुझे लग रहा था कि इस बार बच गए हैं, अगली बार बजा दूंगा। ऐसा बंदू को भी लग रहा था कि इस बार ये गाड़ी लेके निकल गया, अगली बार बजा देंगे। तो भाई साहब हमारे सामने आके स्प्रे करने लगते हैं, और ये पबजी मोबाइल नहीं है कि चार बुलेट में तुम गाड़ी से उतार दो। उसके बाद तीन फेरे कंप्लीट हो गए थे। और मेरे हिसाब से कुछ अच्छा काम करने से पहले मंदिर के तीन फेरे लगाने चाहिए। तो फिर स्टेडियम के अंदर घुसते हैं और पूरा स्टेडियम पवित्र करके वापस आएंगे, मतलब साफ करके वापस आएंगे। एक सेकंड, बिल्कुल बात नहीं की जाएगी, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है। अगर इत्तू सब हिल गए ना तो क्रिस भैया सीधे लॉबी में दिखेंगे। हाँ तो फाइनली बच गए हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो हम पहले कह चुके हैं कि जो जानवर होते हैं उनको जंगल में छोड़ देना चाहिए, और वैसे भी ये जंगली टाइगर थे। तो ये स्टेडियम में कर क्या रहे थे? पढ़ने वाली जगह है, छोटे बच्चे आते हैं घबरा जाएंगे, और ये चीज बहुत गलत है, छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं डराना चाहिए। तो मतलब स्टेडियम में जंगली जानवर घुस आए थे तो उनको फटाक से बजाया, उसके बाद गाड़ी उठाया और बाकी के बचे तीन बंदों की तलाश जारी कर देते हैं। और प्रदीप भैया को तो कुछ ज्यादा ही गलत बजा दिया गया। कोई बात नहीं, उनके बाकी के बंदों को ढूंढते हैं फिर उनको ही बजाते हैं। और एक कलुआ कलौंडा अपार्टमेंट में क्या कर रहा है? लगता है प्रदीप भैया को बचाने आया होगा। उसके बाद एक बंदा बचता है जो कि सामने पेड़ के पास होता है, और हमको इनका किल मांगता। और इतना बढ़िया जंप मार के हमने बजाने का प्रयास किया भी, लेकिन कोई बात नहीं है, किल नहीं मिला। उसके बाद तुम लोग बोलोगे कि भैया वो काली शक्ति वाला लौंडा नहीं मिला पूरे गेम प्ले में। गुड क्वेश्चन, गुड गुड गुड। तो हमने ये थोड़ी कहा था कि पहले गेम प्ले में मिलेगा, ठीक है दूसरे गेम प्ले में काली शक्ति वाला लौंडा मिलेगा और हम उनको बजाएंगे भी। हाँ ठीक है, पूरा मानने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत वॉच टाइम ले लेना चाहिए, मतलब दिल पे लेने वाली बात थोड़ी है यार। मतलब तुम लोग बस कमेंट में मजे ले सकते हो, हम नहीं ले सकते। देखो इतने बार सॉरी बोल दिया हूँ, दिल पे मत ले लेना। हाँ तो उसके बाद दूसरे गेम प्ले में आते हैं, जहाँ थर्ड डील हॉट ड्रॉप करते हैं, जहाँ हॉट ड्रॉप के नाम पे फिर कोई नहीं आता है, तो फटाक से जाते हैं जहाँ बंदे हैं वहाँ बंदों को बजाते हैं। पानी में डाल रहे कड़ी पड़ती भैया जी, गलत हो रहा है हमारे साथ। और इस बार हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ा, बंदे खुद ही गाड़ी लेके हमारे पास आ गए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फटाक से इनको बजाया, उसके बाद इनका एक बंदा पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाता है, वो नहीं आता गाड़ी लेकर वापस। तो फिर हम भी पैदल निकल लेते हैं ड्रॉप के लिए। और यहाँ आकर देखते हैं कि ड्रॉप पहले ही खाली हो चुका है, तो फिर जिसने खाली किया था उसके अंदर टॉमी खाली कर देते हैं, और इनको बजाने के बाद आराम से गाड़ी उठाते हैं और यहाँ से वहाँ घूम ही रहे होते हैं बंदों की तलाश में। लेकिन तभी तुम स्प्रे देखना और कहां से गोलियां आ रही हैं ये भी बताना। मैं आ रहा हूं।
तो भाई साहब हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता गोलियां आ कहां से रही हैं, लेकिन हमारे टीममेट कहते हैं कि घास में बंदे लेटे हुए हैं, तो हम भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है वही चला रहे होंगे। बाकी अगर वो लोग गोलियां चलाते तो गोलियां पास से आती, लेकिन गोलियां कहां से आ रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो अभी हम गाड़ी लेके जाते हैं कि चलो ठीक है इन्हीं को बजा लेते हैं। मार दो इससे और रेव दे दो यार। डीपी ना दूर से पड़ी, मुझे दूर से मार रहा है एकदम बाना उस साइड से। और सीधी बात नो बकवास, बच गए यहाँ पास, नहीं तो ये नेट भैया हमको यहाँ से ले ही जाते लॉबी की ओर। तो उसके बाद यहाँ पास जितनी भी नागिन थी सबको हमारे टीममेट सपेरा बन के डस लेते हैं और फिर हम पैदल जोन की ओर निकल लेते हैं। उसके बाद अब एकदम ध्यान से देखना, 3 नंबर की हेल्थ देखो और फिर गोलियों की बौछार सुनो। मुझे लगी रतार थी जी जी। भाई साहब इतना खतरनाक स्प्रे DP28 से, मतलब पहले 5 बुलेट में हमारे SBI को नॉक किया, उसके बाद हमारी बग्घी की हेल्थ इतनी कम कर दी। या तो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स थे या तो फिर तुम समझ रहे हो। लेकिन तभी ये भाई साहब हमको ओपन में कूद फांद करते दिख जाते हैं, और ऐसे ओपन में घूमोगे तो फिर तो किल मिलना स्वाभाविक है। तो फटाक से इनको बजाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं दिमाग कि बग्गी उठाएंगे और रोटेट करके जाएंगे। उसके बाद पूरा रोटेट करके पहुंचते हैं सीधे नॉर्थ हिल और यहाँ होते हैं बंदे, तो मतलब इनको ही बजाते हैं। अरे किसने मारा ना? नाम पढ़ा था तुमने, जिसने मारा था ऊपर छत में बंदे, छत में नेट मारूंगा ठीक है, एक जाओ। अबे यहाँ अंदर नेट की चोर है, यहाँ अंदर नेट की चोर, अंदर मत आना, अंदर मत आना। अरे भैया जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, उसके बाद बची थी हमारी पूरी स्क्वाड और वो काली शक्ति वाले भैया। तो यहाँ पास षड्यंत्र ये था कि यस भैया को हम बनाएंगे बकरा और हम जाके कर लेंगे फट से शिकार, समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर गेम प्ले में देखो। पेड़ पे, दे दो इसे, कहाँ है? और तरकीब काम कर जाती है, वो यस भैया को नॉक करता है ओपन में आकर और हम यहां से डस लेते हैं नागिन बनकर। तो मतलब मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में बिना सब्सक्राइब पर माथा टेको घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और हाँ, सेकंड चैनल इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चलिए उसमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रेडी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।